नमस्कार दोस्तों, आज हम मौन की शक्ति पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित ये कुछ लेख है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। मौन की शक्ति लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लोग ऊंचे स्वर वाले हो सकते हैं, जबकि अन्य लोग शांत ऊंचे स्वर वाले लोग हो सकते हैं। अक्सर दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग मौन रहते हैं उनका क्या मतलब होता है? तो आइए मौन की शक्ति पर एक नजर डालते हैं, जैसे इसने उनके और उनके आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित किया है। इस लेख को पढ़कर आप मौन की शक्ति के बारे में और अधिक जान पाएंगे और वे पांच कारण क्या हैं जिनकी वजह से मौन लोग सफल होते हैं। नवीनतम घटनाओं के बारे में सूचित रहें, दिलचस्प तथ्यों की खोज करें और फ्रेशर्स लाइफ पर आकर्षक और जानकारी पूर्ण सामान्य लेखों के माध्यम से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। मौन की शक्ति। बुद्ध ने लोगों को बोलने से पहले खुद से तीन प्रश्न पूछने की सलाह दी। क्या आपका संदेश मूल्यवान आवश्यक होना चाहिए और इससे फर्क पड़ना चाहिए? शब्द हथियार की तरह हैं जिनका आपको सही तरीके से उपयोग करना सीखना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का अपनी बोलने पर नियंत्रण नहीं होता वह नियंत्रण खो देने के कारण हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसे कब कहां और कितना बोलना है, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बोला गया शब्द कभी वापस नहीं आता, जैसे निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए लोग अक्सर बिना किसी औचित्य के बोलते हैं, फिर भी प्रोत्साहन अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और दुनिया को बदल सकते हैं। लोग सिर्फ एक दूसरे को बुरा महसूस कराने के लिए बोलते हैं। यदि आप जानते हैं कि कब और कितनी बात करनी है, तो आप आज ऐसा करने वाले बहुत मजबूत और प्रभावशाली लोगों में से होंगे। कारण क्यों चुप रहने वाले लोग सफल होते हैं? इसलिए यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने तरीके को बदलने की उम्मीद कर रहे हैं और सफलता तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप मौन के इस मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं जो आपको सफल होने में मदद करेगा। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यह क्या है? पांच कारण जो लोगों को जीवन में शांत और सफल बना रहे हैं, तो ये हैं। चुप्पी आपके प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित कर देती है। एक बार एक महान योद्धा के बेटे ने कहा कि वह कौन जानता है कि कब बोलना है और क्यों नहीं बोलना है। उसने कहा कि उसने अपनी चुप्पी की शक्ति से अपने हजारों दुश्मनों को हराया है, इसलिए कई बार वह चुप रहकर अपने दुश्मनों को गहरी सोच में डाल देता है। उसने कहा कि जब आप रहते हैं मौन रहने से आपके शत्रु भ्रमित हो जाते हैं और वे डर के कारण आपके और आपकी योजना के बारे में सोचने लगते हैं कि आप क्या करने वाले हैं और आपका अगला कदम क्या होगा। इस तरह उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान खो दिया। इस तरह आप अपनी योजनाओं को गुप्त रख सकते हैं और इस तरह आप चुप्पी का फायदा उठा सकते हैं। और अंत में खेल आपका है, आप इसे अपनी शैली में जीत सकते हैं। साइलेंस लेजर फोकस बनाता है। मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि ध्यान की उपस्थिति है। मूक लोगों के पास कहने के लिए बहुत सारे विचार और बातें होती हैं, लेकिन वे तब तक नहीं बोलते जब तक जरूरी ना हो। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या किसी तरह के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो सफलता पाने के लिए आप क्या करेंगे? फोकस। और आपको उस तरह के लेजर फोकस की क्या जरूरत है?
आपको कई चीजों पर ध्यान केंद्रित करना बंद करना होगा और चुप रहना होगा। मैं आपको एक मस्जिद की कहानी सुनाता हूँ। बचपन में वह ज्यादातर समय चुप रहता था, इसलिए उनके माता पिता ने सोचा कि उसके कान में कोई समस्या है, क्योंकि ज्यादातर समय वह कुछ भी नहीं सुन पाता है। इसलिए उनके माता पिता उसे मस्जिद में ले गए अस्पताल, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वह ठीक है और अंततः उन्हें इसका कारण पता चला कि वह कुछ भी क्यों नहीं सुन पाता है, क्योंकि लेजर फोकस के साथ उसका अध्ययन आपको गहरी चुप्पी में डाल सकता है और आपको चीजों को हासिल करने में मदद कर सकता है। मौन लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। आपको एहसास होगा कि चुप्पी कैसे लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। यदि आप कभी कक्षा में या किसी समूह की स्थिति में रहे हैं, तो आपने अनुभव किया होगा कि कैसे चुप्पी अक्सर हर किसी का ध्यान आकर्षित करती है। यदि शिक्षक दूर जाकर बात कर रहा है, तो श्रोता का मन आश्चर्यचकित हो सकता है कि जब वक्ता बात करना बंद कर देता है, तो मस्तिष्क को एक संकेत जाता है कि कुछ हुआ है। वे सभी अचानक ध्यान देने की कोशिश करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि संचार क्यों बंद हो गया है। यही बात हमारे दैनिक जीवन में भी सच है। बातचीत, यदि हम चुप रहते हैं तो लोग ध्यान देते हैं और हम उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि आप चुप रहते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और केवल तब बोलते हैं जब यह आवश्यक होता है, तो लोगों का ध्यान आप पर जाता है। यदि आप चुप रहेंगे और केवल वही बोलेंगे जो मूल्यवान है, तो लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपकी कद्र करेंगे और लोग आपको याद रखेंगे। मौन विश्वास बनाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए सफल लोगों के साथ जुड़ना और प्रभावी संबंध विकसित करना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जीवन में एक रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि आप प्रभावी संबंध विकसित करना चाहते हैं या यदि आप सफल लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको विश्वास पैदा करना होगा और विश्वास कायम करने के लिए आपको उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। सफल लोग यही करते हैं, वे सारी बातें नहीं करते हैं, लेकिन आप कुछ लोगों को देख सकते हैं जब वे सफल लोगों से मिलते हैं, तो वे बातें करना शुरू कर देते हैं। वे अपने ही बारे में बात करने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन सफल लोग ज्यादातर ध्यान केंद्रित करते हैं सुनने पर। वे दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछते हैं और उनकी बात सुनते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की बात ध्यान से सुनेंगे, तो उन्हें एहसास होगा कि वे आपके जीवन में मूल्यवान हैं। उन्हें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में महसूस होगा और इस तरह वे आप पर भरोसा करेंगे। मौन लोगों को बातचीत करने में मदद करता है। जब दूसरा व्यक्ति चुप रहता है, तो आपको आश्चर्य होता है कि वे क्या सोच रहे होंगे। इसलिए टेबल पलट दें और उन्हें सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपको नौकरी मिल गई हो और आपसे वेतन मांगा गया हो या कंपनी ने वेतन का आंकड़ा बताया हो, लेकिन आप उससे अधिक चाहते हो। इसलिए तुरंत जवाब न दें। यह न कहें कि मैं इसे ले लूंगा या नहीं। एक पल के लिए चुप रहें, जिससे दूसरा व्यक्ति खालीपन महसूस करना चाहेगा और बात करना शुरू कर देगा। उन्हें ऐसी जानकारी प्रकट करने दें जो आपको मदद करेगी। बातचीत में आगे बढ़ने का पलड़ा भारी है। मौन आपकी ताकत को परिभाषित करता है। हम में से अधिकांश को चुप्पी पसंद नहीं है और हम इससे डरते हैं, क्योंकि हम चुप्पी को तुच्छता के बराबर मानते हैं।
क्योंकि हम कठोर होना चाहते हैं और लोगों द्वारा पसंद किया जाना और प्यार करना चाहते हैं। हम सभी लोगों का ध्यान चाहते हैं, हम सभी लोगों को बोना चाहते हैं, हम हमेशा कुछ बनना चाहते हैं या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की नज़रों में अच्छा है। हम दूसरे लोगों की राय पर निर्भर हैं, क्योंकि उनकी राय हमें अच्छा महसूस कराती है और कभी कभी उनकी राय हमें बुरा भी महसूस कराती है। इसलिए हम अपनी शक्ति खो देते हैं। हम लगातार किसी ऐसी चीज की तलाश में रहते हैं जो हमारे पास पहले से है, लेकिन हम पहले से ही हैं। हमारे पास वह सब कुछ है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है, लेकिन हम उन्हें तब तक नहीं पहचान सकते जब तक हम चुप नहीं हो जाते और व्याकुलता से छुटकारा नहीं पा लेते। मौन हमें सेल मूल्य का एहसास देता है। सब कुछ हमारे भीतर है यदि हम पहचानते हैं कि कैसे जुड़ना है। मौन को अनुमति देकर हमारी सांसों को सुने ये संभावना को खोलता है। वही आत्म मूल्य का पता लगाएं जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। लोग आपको ये बताते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, जो अंततः वे आपको अपने सीमित दृष्टिकोण से बताते हैं। इसके बजाय अगर हम चुप रहें तो हमें अपनी आंतरिक आवाज मिलेगी और हमें इसका एहसास होगा। हम पहले से ही वह सब कुछ हैं जो हमें होना चाहिए और आप जो हैं उसे स्वीकार करना एक जीत है। मौन आपको यह एहसास कराएगा कि आपकी ताकत क्या है। मौन आपको अपनी ताकत को परिभाषित करने में मदद करेगा। मौन वास्तव में शक्तिशाली है। दोस्तों, ये लेख यहीं पर समाप्त होता है। और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।